क्या आपने कभी सोचा है कि चांद पर भी भूकंप आते हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम भूकंप को अक्सर धरती से जोड़ते हैं, लेकिन हमारा चांद भी इस मामले में पीछे नहीं है। आज की वीडियो में हम खोलेंगे मूनक्वेक की रहस्य, यानी चांद के भूकंप की कहानी। ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और हमारे भविष्य के लिए क्यों जरूरी है, तो बने रहिए क्योंकि ये कहानी आपको अंतरिक्ष की सैर कराएगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चांद पर होने वाले भूकंप को वैज्ञानिक मूनक्वेक कहते हैं। ये चांद की सतह या उसके अंदर होने वाली हलचल और कंपन है, लेकिन ये धरती के भूकंप से बहुत अलग है। धरती पर भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से होते हैं, लेकिन चांद पर ना तो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ना ज्वालामुखी। फिर ये मूनक्वेक क्यों? असल में चांद की अनोखी संरचना और बाहरी प्रभाव इसकी वजह है। मूनक्वेक चार प्रमुख प्रकार के होते हैं: गहरे मूनक्वेक, थर्मल मूनक्वेक, उल्का पिंड टक्कर से मूनक्वेक और उथले मूनक्वेक। हर प्रकार का मूनक्वेक हमें चांद की कहानी का एक अलग हिस्सा बताता है। ये कंपन छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपा है चांद का 4.5 अरब साल पुराना इतिहास। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। चलो मूनक्वेक के चार प्रकारों को एक एक करके समझते हैं। डीप मूनक्वेक, ये चांद के अंदर 700 से 1200 किलोमीटर की गहराई में होते हैं। इनकी वजह है धरती का गुरुत्वाकर्षण बल। चांद और धरती की स्थिति हर महीने बदलती है, जिससे चांद के मेंटल पर तनाव पड़ता है। ये तनाव छोटे छोटे कंपन पैदा करता है, जो इतने हल्के होते हैं कि सिस्मोमीटर से बिना पकड़ना मुश्किल है। थर्मल मूनक्वेक, चांद पर दिन और रात का चक्र 29.5 दिन का होता है। दिन में सूरज की रोशनी से चांद का सतह 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है, जिससे सतह फैलती है। रात में तापमान -170 डिग्री तक गिर जाता है और सतह सिकुड़ती है। ये फैलना और सिकुड़ना छोटे कंपन पैदा करता है, जिन्हें थर्मल मूनक्वेक कहते हैं। उल्का पिंड टक्कर से मूनक्वेक, चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए उल्का पिंड सीधे इसकी धरती से टकराते हैं। ये टक्कर इतनी तेज होती है कि चांद की सतह पर लंबे समय तक कंपन होता है। यही वजह है कि चांद की सतह पर इतने सारे क्रेटर हैं। उथल मूनक्वेक, ये सबसे रहस्यमयी और ताकतवर मूनक्वेक है, जो सतह से 20-30 किलोमीटर की गहराई पर होते हैं। इनकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.5 तक हो सकती है, जो धरती के मध्यम भूकंप जैसी है। वैज्ञानिकों को अभी इनका सटीक कारण नहीं पता है, लेकिन कुछ का मानना है कि चांद की क्रस्ट में दरारें या तनाव इसकी वजह हो सकती है। ये सारी बातें हमें कैसे पता चलता है? इसका श्रेय जाता है नासा के अपोलो मिशन को। 1960 और 1970 के दशक में अपोलो 11, 12, 14, 15 और 16 के अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह पर सिस्मोमीटर लगाए। ये सिस्मोमीटर इतने संवेदनशील थे कि छोटे छोटे कंपनों को भी रिकॉर्ड कर लेते थे। 1969 से 1977 तक इन सिस्मोमीटर ने हजारों मूनक्वेक रिकॉर्ड किए, लगभग 12,000 गहरे मूनक्वेक और सैकड़ों उथले मूनक्वेक। एक और हैरान करने वाली बात, चांद पर कंपन धरती की तुलना में बहुत लंबे समय तक चलते हैं, कभी कभी घंटों तक। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद का आंतरिक ढांचा सूखा और कठोर है, जिससे नमी या तरल पदार्थ नहीं है जो कंपन को जल्दी रोक दे। धरती पर भूकंप का कंपन कुछ मिनटों में थम जाता है, लेकिन चांद पर यह लंबा संगीत सा बजता रहता है। तो मूनक्वेक और धरती के भूकंप में क्यों फर्क है, चलिए इसे समझते हैं। तीव्रता, मूनक्वेक आमतौर पर धरती के भूकंप से कम तीव्र होते हैं। सबसे ताकतवर उथेल मूनक्वेक भी रिक्टर स्केल पर 5.5 के आसपास होते हैं, जबकि धरती पर भूकंप 8 या 9 तक जा सकता है। अवधि, चांद पर कंपन लंबे समय तक रहता है, कभी कभी एक घंटे से ज्यादा। धरती पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और पानी कंपन को जल्दी सोख लेते हैं। कारण, धरती पर भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से होते हैं, चांद पर ये थर्मल विस्तार, उल्का पिंड टक्कर या गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से होता है। चांद पर कोई इमारतें या लोग नहीं है, इसलिए मूनक्वेक से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन धरती पर भूकंप तबाही मचा सकते हैं। लेकिन भविष्य में जब हम चांद पर बस्तियां बनाएंगे, मूनक्वेक का अध्ययन हमें सुरक्षित ढांचे बनाने में मदद करेगा। मूनक्वेक हमें चांद की भूगर्भीय कहानी भी सुनाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद 4.5 अरब साल पहले बना, जब एक विशाल पिंड धरती से टकराया और उसका मतलब अंतरिक्ष में फैल गया। ये मलबा एकत्र होकर चांद बना। शुरुआती चांद बहुत गर्म था, जिसमें लावा के सागर बहते थे, लेकिन लाखों साल बाद चांद ठंडा और शांत हो गया। हालांकि चांद पूरी तरह मृत नहीं है, मूनक्वेक बताते हैं कि उसकी सतह और अंदर भी हलचल है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि चांद का क्रस्ट में फॉल्ट लाइन्स है, जो धरती की तरह दरारें हैं। ये दरारें थर्मल तनाव या चांद के सिकुड़ने से बनी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद धीरे धीरे सिकुड़ रहा है,
जैसे कोई पुराना फल सूख कर छोटा हो जाता है। इस सिकुड़न से उथले मुनकेक हो सकते हैं। भारत भी चांद की खोज में पीछे नहीं है। इसरो के चंद्रयान मिशन ने चांद के रहस्य को उजागर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग की, जहां मुनकेक का अध्ययन भविष्य में संभव हो सकता है। भारत का आगामी गंगनयान मिशन और चंद्रयान 4 चांद पर और गहरे अध्ययन की योजना बना रहे हैं। ये मिशन मुनकेक के डेटा को समझने में मदद करेंगे, जिससे चांद पर बस्तियां बसाने का सपना हकीकत बन सकता है। भारत के लिए सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि गर्व का पल है। आज पूरी दुनिया फिर से चांद की ओर देख रही है। नासा का ऑर्टेमिस प्रोग्राम, इसरो के चंद्रयान मिशन और चीन के चंगे मिशन चांद पर एक अध्ययन की तैयारी में है। अगर हम चांद पर अस्थायी बस्तियां, वैज्ञानिक स्टेशन, यहां तक के खनन शुरू करना चाहते हैं, तो मुनकेक को समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए, उथले मुनकेक किसी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही मुनकेक हमें चांद की अंतरिक्ष संरचना के बारे में बताते हैं। क्या चांद का कोर अभी भी गर्म है? क्या वहां पानी या खनिज है? ये सवाल हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति को समझने में मदद करेंगे। मुनकेक का अध्ययन सिर्फ चांद के लिए नहीं, बल्कि मंगल और अन्य ग्रहों पर बस्तियां बसाने के लिए भी दिखाता है। भारत में चांद सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। चांद को चंद्रमा, सोम या शशि कहा जाता है और इसे देवता माना जाता है। करवा चौथ, रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी जैसे त्यौहार चांद के चक्रों से जुड़े हैं। पुराणों में चंद्रमा को 27 नक्षत्रों का पति बताया गया है। मुनकेक की खोज हमें चांद को सिर्फ वैज्ञानिक नजरिए से ही नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर के साथ जोड़ती है। जब हम चांद पर बस्तियां बनाएंगे, तो शायद वहां भी चंद्रमा की पूजा होगी। एक मजेदार बात, चांद पर मुनकेक इतने हल्के हो सकते हैं कि अगर आप वहां खड़े हो तो शायद आपको कुछ महसूस भी ना हो, लेकिन सिस्मोमीटर इतने संवेदनशील है कि वो एक छोटे कंपनों को पकड़ लेते हैं। और हाँ, चांद पर किसी भूकंप अलर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां ना शहर है ना ट्रैफिक। लेकिन भविष्य में जब हम चांद पर कॉलोनी बनाएंगे, तो शायद हमें मुनकेक अलर्ट की भी जरूरत पड़े। तो दोस्तों, ये चांद के भूकंप यानी मुनकेक की रोचक और रहस्यमय कहानी है। ये हमें बताते हैं कि चांद सिर्फ एक चमकता हुआ गोला नहीं, बल्कि जीवंत खगोलीय पिंड है, जो अपनी हरकतों से हमें हैरान करता रहता है। अगली बार जब आप रात को चांद को देखें, तो सोचिए क्या शायद उसकी सतह पर कोई छोटा सा मुनकेक हो रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं क्या आपने चांद के बारे में कोई और रोचक बात सुननी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए और चांद की कहानियों खो जाइए। अलविदा।